आप सभी को प्रणाम। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए आदि प्रथम वर्ष की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तित्व विकास के प्रैक्टिकल लेखन की श्रृंखला का यह चौथा भाग है। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्रमांक 4 रिज्यूमे लेखन को किस तरह से प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है, इस संदर्भ में बातचीत करेंगे। यह करियर एडवाइस चैनल है, आपके करियर और आपके अध्ययन का सच्चा साथी। आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। अपने साथियों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। चलिए आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्रमांक 4 रिज्यूमे लेखन। आप सभी जानते हैं कि रिज्यूमे एक इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों के उल्लेख करते हैं, जैसे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस, अपने करियर से संबंधित जो लक्ष्य होता है वो, और अपनी कुछ अन्य डिटेल्स। इस रिज्यूमे का उपयोग अनेक अवसरों पर किया जाता है, खासकर जब आप किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में अपने प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, आवेदन करते हैं, तो आप ये रिज्यूमे प्रस्तुत करते हैं। रिज्यूमे लेखन के प्रैक्टिकल की फाइल में हम इस प्रैक्टिकल को कैसे लिखेंगे, तो कुछ बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। यदि आप देखें तो इसमें आप कुल मिलाकर 8 पॉइंट्स में आप इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप बताइए रिज्यूमे का अर्थ। रिज्यूमे का क्या अर्थ होता है, इसकी बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषाएं भी दी हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए कि रिज्यूमे, बायोडाटा एवं सीवी, ये तीन प्रकार के प्रपत्र हैं, तो इनमें क्या अंतर होता है। कई बार हम भ्रमित रहते हैं कि रिज्यूमे, बायोडाटा और सीवी एक ही है, लेकिन इनमें कुछ मूलभूत अंतर है, तो आप यहाँ पर तीनों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए तीनों में क्या क्या समानता है, क्या क्या इसमें अंतर है, ऐसा आप तुलनात्मक अध्ययन यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला बिंदु आप लिखिए कि रिज्यूमे की उपयोगिता, इसका क्या लाभ है, इससे हमें क्या फायदा होता है, हम क्यों बनाते हैं, इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। चौथा बिंदु है रिज्यूमे का प्रारूप। साथियों, आपको पता है कि रिज्यूमे लिखने के लिए एक स्पेसिफिक प्रारूप है कि कहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है, कहाँ एड्रेस लिखना है, कहाँ हमें अपने टारगेट से संबंधित बात लिखनी है, कहाँ हमें अपनी क्वालिफिकेशन से लिखनी है, और अन्य बातों का उल्लेख कहाँ करना है, कितने इसका विस्तार होना चाहिए, एक पृष्ठ या उससे अधिक, तो ये सारी बातें रिज्यूमे के प्रारूप वाले पॉइंट में आप लिखिए। अगला बिंदु इसी से मिलता जुलता है, रिज्यूमे में लिखी जाने वाली मुख्य बातें, कौन कौन सी बातों का हमें इसमें उल्लेख करना चाहिए, ताकि उन बातों को पढ़कर जो हमें प्लेसमेंट देने वाली कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है, या जिनके भी समक्ष हम अपने रिज्यूमे को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो उन मुख्य बातों को देखकर जो हम उसमें लिखने वाले हैं हमसे प्रभावित हो सके, और यदि हम नौकरी के लिए जा रहे हैं तो वो हमें उसके आधार पर जॉब देने के बारे में सोच सके। अगला बिंदु आपको बताना है कि रिज्यूमे में कौन सी बातें नहीं लिखी जानी चाहिए। साथियों, कई बार हम अति उत्साह में उन बातों का उल्लेख रिज्यूमे में कर देते हैं जो हमारे लिए ऋणात्मक असर वाली होती है, हम पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है और हम कई अवसर प्राप्त करने से वंचित हो सकते हैं। सो आप ऐसी बातों को अवॉइड कीजिए और अपनी प्रैक्टिकल फाइल में बताइए कि आपको कौन सी बातें नहीं लिखना चाहिए। इसके बाद स्वयं का रिज्यूमे आप तैयार कीजिए, आप उसे टाइप भी कर सकते हैं, आप अपनी फाइल में उसे पेन से भी लिख सकते हैं, बट बेहतर होगा कि आप अपना स्वयं का रिज्यूमे एक बार, यदि आप स्वयं टाइपिंग जानते हैं और आपके पास कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की सुविधा है तो खुद ही बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। यदि आपके पास ये सुविधाएं नहीं हैं तो किसी भी टाइपिंग सेंटर से एक बार आप अपना रिज्यूमे ज़रूर बना लें और उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों अपने पास रखें, ताकि जैसे जैसे आप कुशलताएं अर्जित करते जाएं तो उसमें वो आप एडिशन करते जाएं, उसमें जोड़ते जाएं, और इस स्वयं के रिज्यूमे को भी आप अपनी फाइल में पेस्ट कर दीजिए, और अंत में उपसंहार लिखकर आप इस प्रैक्टिकल को संपन्न कीजिए।
ये अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल है जो आपके जीवन से सीधा ही जुड़ा हुआ है। जब आप इस तरह से फाइल में अपने प्रैक्टिकल को लिख लेंगे तो इससे आपको क्या लाभ होने वाला है, आप रिज्यूमे के बारे में सब कुछ जान लेंगे और जब आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी और विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त आदरणीय प्रोफेसर साहब आपसे परीक्षा लेने आएंगे और जब एक एक प्रैक्टिकल पर आपसे प्रश्न पूछेंगे तो रिज्यूमे से संबंधित पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे सकेंगे। आखिर इनमें क्या पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान, मौखिक परीक्षा के समय? तो इसमें आपसे ये पूछेंगे कि रिज्यूमे से आप क्या समझते हो, इसका क्या अर्थ होता है, क्या आप रिज्यूमे की स्पेलिंग बता सकते हो, इसे रिज्यूम कहना चाहिए या रिज्यूमे कहना चाहिए, किस भाषा का यह शब्द है, क्या आपने इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द सुने हैं जैसे बायोडाटा, सीवी आदि, क्या ये सब एक समान होते हैं या रिज्यूमे, बायोडाटा और सीवी में कुछ अंतर होता है? यदि अंतर है तो आप उन अंतरों को पॉइंट आउट कीजिए कि इनमें क्या बेसिक अंतर है। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि रिज्यूमे का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। रिज्यूमे के प्रारूप पर प्रश्न पूछ सकते हैं कि रिज्यूमे के प्रारूप में कौन सी बात कहाँ लिखी जाती है। फिर पूछ सकते हैं कि अगर हमें एक अच्छा रिज्यूमे तैयार करना है तो हमें उसमें किन किन बातों का समावेश करना चाहिए। एक प्रश्न ये हो सकता है कि वो कौन सी बातें हैं जिनको रिज्यूमे में लिखने से हमें बचना चाहिए। क्या आपने कभी स्वयं का रिज्यूमे भी तैयार किया है, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। आप फटाक से उत्तर दे सकते हैं कि जी हाँ सर, मैंने किया है और उस रिज्यूमे को आप मेरी फाइल में भी देख सकते हैं। आप फटाक से फाइल खोलकर उनके सामने रख सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न होंगे। तो चूंकि आपने फाइल में इस प्रैक्टिकल को अच्छे से लिखा है, स्वयं का रिज्यूमे भी बनाया है, तो कोई भी प्रश्न आपके लिए कठिन नहीं रहेगा और आसानी से आप उत्तर दे सकेंगे। साथियों, साथ ही साथ यह लिखित परीक्षा का भी एक हिस्सा है। लिखित परीक्षा में भी रिज्यूमे पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा सकेंगे। तो इसे तैयार करने पर आपकी न केवल प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारी होगी बल्कि आपकी लिखित परीक्षा की भी तैयारी इससे हो जाएगी। अतः बहुत अच्छे से आप इसे संपन्न कीजिए। जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले चैनल के किसी वीडियो को नहीं देखा, तो कृपया आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट है, उसे क्लिक कीजिए। आप व्यक्तित्व विकास से संबंधित समस्त वीडियोस वहां पर प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें आप देखिए और फाइल तैयार कीजिए। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब भी आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई प्रश्न रखें तो अपने कॉलेज का नाम अवश्य ही लिखिए। करियर एडवाइस चैनल ने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा कर सकूं, आपके लिए कोई उपयोगी बातें प्रस्तुत कर सकूं। तो चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।